पोटैटो 65 बनाने के लिए ये मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और इनको ऐसे कट कर लिया है। अब इनको हम बॉयल करेंगे। तो पहले से ही मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है और जब पानी बॉयल होने लगे तभी इसमें आलूओं को डालना है और इसको 50% तक बॉयल करना है। तो मैं ढक दूंगी, फ्लेम हाई रहेगा मेरा। आलू 50% कुक हो गए हैं, अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इनको पानी से निकाल लेंगे। आलूओं को पानी से निकाल लिया और इसका पानी अच्छे से सूख गया है। अब इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। तो 2 बड़े चम्मच इसमें मैं मैदा ऐड करूंगी और कॉर्नफ्लोर पाउडर ये 1.5 चम्मच, नमक डालेंगे हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू में मैदा, कॉर्नफ्लोर और नमक अच्छे से कोट हो गया है। अब इनको हम डीप फ्राई करेंगे। तो मैंने ऑयल पहले से ही गर्म कर लिया है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। एक एक करके हम आलू को डालेंगे इसमें और इनको गोल्डन फ्राई होने तक पकाएंगे। आलू क्रिस्पी एंड गोल्डन फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं और इनको मैंने हाई फ्लेम पे फ्राई किया है। ऐसे फिर हम बाकी के आलू को फ्राई कर लेंगे। सारे पोटैटो फ्राई हो गए हैं और इधर मैंने पैन में ऑयल डाला है, ये मैंने तो 2 चम्मच ऑयल डाला है। अब इसमें मैं लहसुन डालूंगी बारीक कटा हुआ, लाल मिर्च, हरी मिर्च, इनको कुछ सेकंड के लिए सौते करेंगे। अब इसमें हम ऑनियन ऐड कर देंगे और इसको 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। फ्लेम हम स्लो कर देंगे। अब इसमें हम कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे और इसके साथ ही सारे मसाले ऐड करेंगे इसमें हम। तो 1 छोटा चम्मच में धनिया पाउडर ऐड करूंगी, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे और फ्लेम में ऑफ कर दूंगी और इसको बराबर चलाते रहेंगे। दही अच्छे से मिक्स हो गई है और मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, अभी स्लो रखा है फ्लेम। और इसमें मैं चुटकी भर रेड कलर डालूंगी, ये फूड कलर है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं नमक भी ऐड करूंगी। तो नमक मैं 1 छोटा चम्मच से भी कम डालूंगी क्योंकि आलूओं में भी नमक पड़ा हुआ है। और अब फ्लेम हम हाई कर देंगे और इसमें आलू ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से चला के मिक्स करेंगे। देखिए आलू में मसाले और दही अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम हरी धनिया कटी हुई डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम बंद कर देंगे। पोटैटो 65 हमारा रेडी है, अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे गर्मा गर्म पोटैटो 65 तैयार हैं। आप इसे स्नैक्स टाइम पे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और मेरी रेसिपी पसंद आती है तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा और साथ में कमेंट भी करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।